यूपी में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य मोहम्मद असलम उर्फ मंत्री के आलिशान आशियाने को गिराने की कार्रवाई दोपहर करीब 12:15 बजे से शुरू की गई थी। हालांकि इससे जुड़ा मामला हाई कोर्ट में दाखिल होने की वजह से कार्रवाई को काफी देर तक रोक दिया गया। तब तक विकास प्राधिकरण के 3 बुलडोजर सिर्फ बाउंड्री वॉल को ही गिरा सके थे। मकान के बाहरी हिस्से पर जैसे ही बुलडोजर चलने शुरू हुए तभी कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि कोर्ट की सुनवाई में मकान मालिक की याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद पीडीए ने 3 बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटों में आलिशान मकान को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। असलम माफिया अतीक अहमद गैंग का खास गुर्गा है। अतीक अहमद के नाम पर इसने काफी जमीनें खरीद फरोख्त की थी। असलम के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगर थाने के अलावा कौसाम्बी में भी हत्या, जमीन कब्जे, रंगदारी, धमकी, हत्या के प्रयास के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 की भू माफियाओं की लिस्ट में भी इसका नाम दर्ज है। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ, उसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 41वीं कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी असलम उर्फ मंत्री का अवैध निर्माण है। प्लॉट एरिया लगभग 600-700 वर्ग गज है, 3 फ्लोर का निर्माण है। इन्होंने बीच में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित कर दी थी, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट में मैटर्स टेकअप होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई बीच में रोक दी थी। अल्टीमेटली कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और इनको कोई अनुदोष नहीं दिया है। उसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल तथा प्रशासन के सहयोग से इस अवैध भवन को पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया जाएगा। वो हिस्ट्री शीट आपको मिल जाएगी। विभिन्न अनेक थाना क्षेत्रों में इनके मुकदमे हैं। अतीक अहमद के रिश्तेदार भी हैं, अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अलग अलग थानों में अलग अलग संख्या होगी मुकदमे की।